Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. So दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बेनित भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लयारी कराची के डी फार्मेसी का आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं डॉक्टर फार्मेसी का, और उसके साथ वो भी बताऊंगा कि आप इसको सिर्फ ऑनलाइन सबमिट कराना है या इसको क्लियर भी करना है। तो मेक श्योर आप वीडियो के इंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में फीस स्ट्रक्चर के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में, डॉक्टर फार्मेसी के बारे में मैंने कम्प्लीट डिटेल दी थी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सारे वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम सिर्फ बात करने वाला कि इसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उसके बाद आपको कुरियर करना है या नहीं करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे आ जाना। मैं ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे जहाँ पे एडमिशन लिखा होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एडमिशन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, डॉक्टर फार्मेसी की वेबसाइट पे। यहाँ पे सिर्फ आप डॉक्टर फार्मेसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, दूसरे जो डिपार्टमेंट उनकी एडमिशन नहीं है। उनकी एडमिशन कब आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 जनवरी को इनकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी है, इंग्लिश है, अकाउंटिंग फाइनेंस है। तो इनका ये सारा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, इसके बारे में कम्प्लीट वीडियो बना दी, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर फार्मेसी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इनकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, ये मे भी लास्ट डेट, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर एक्सटेंड की तो मैं उस पर छोटा सा वीडियो बना दूंगा, तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको साइन इन करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना दिया है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर पहले करना है। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है, NIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आपको लिखना है, पासपोर्ट और रिटायर पासपोर्ट लिखना है, और फिर यहाँ 7 3+7 यहाँ पे 10 होते हैं वो आपको लिखना है, फिर आपको रजिस्टर कर देना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आई एग्री टू द टर्म्स इस पे क्लिक करके फिर आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले से फॉर्म फिल कर दिया तो यहाँ पे लिखा आई ऑलरेडी हैव रजिस्टर, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप न्यू है, फ्रेश है, अकाउंट अभी रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आई एग्री द टर्म्स फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। तो जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना NIC नंबर लगाना, वो जो आपने पासपोर्ट दिया वो आपको लगाना है, फिर रिमेंबर मी में क्लिक करके फिर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फाइल्स, यहाँ पे आपको ये लाजमी पढ़नी है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। ये भी यहाँ पे नीचे एडुकेशन इंस्ट्रक्शन, इसको भी आपको लाजमी पढ़ना है। यहाँ पे आपका सारा फॉर्म जो आपने अभी रजिस्टर किया होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, आपका NIC, आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 2 ब्लू या व्हाइट बैकग्राउंड, डजंट मैटर जो भी हो। सेल्फी आपको अलाउ नहीं है। आपका जो NIC है उसका जो इन फ्रंट है, बैक साइड आपके NIC के होने चाहिए। अगर आपका बे फार्म है वो भी चलेगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका भी NIC, ये 2 फोटोग्राफी एक फ्रंट और एक बैक साइड के होने चाहिए। आपका अपना डोमिसाइल होना चाहिए, अटैच करना चाहिए। ये सारे मैं फाइल्स के बारे में बताऊं, जो डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी पिक्स होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो PNG फॉर्मेट्स में होना चाहिए, उनकी साइज 1 MB से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कलर्ड में होने चाहिए, कोई ब्लर नहीं होने चाहिए या बिल्कुल भी फोटो कापी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर बात करें एडुकेशन इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन के, तो यहाँ पे भी मार्कशीट या डिग्री जो आप अटैच करेंगे वो भी GPG या PNG फॉर्मेट होनी चाहिए, और 1 MB से ग्रेटर इनकी साइज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट डेट है उनकी, जो लास्ट डेट है वो आपको बताया 31 दिसंबर है, और आपको मस्ट भी आपके इंटरमीडिएट वो आपका प्री मेडिकल में होना चाहिए। डॉक्टर फार्मेसी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको 60% मार्क्स इंटरमीडिएट में होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम ही इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि आपको क्या करना है, पहले आपको माय जो प्रोफाइल है यहाँ पे लिखा है उसको आपको पहले कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल देनी है। यहाँ पे क्या करना है, नीचे आपको आना है, यहाँ पे
सेक्शन लिखा है उस पर आपको फिल करना है, उसके बाद आपको आप एडिट कर सकते हैं अपना नाम, फादर नेम, NIC जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, जेंडर लिखना है आपको, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद आपको अपना रिलीजन लिखना है, डोमिसाइल प्रोविंस, डोमिसाइल सिटी, फादर नेम, उसके बाद गार्डन नेम, और उसके बाद आपको क्या करना है आपका जो गार्डन मोबाइल नंबर वो लिखना है, गार्डन ऑक्यूपेशन लिखना है, पोस्ट एड्रेस लिखना है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिख के आपको सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एडुकेशन रिकॉर्ड आपको देना है, यहाँ पे ऐड इन अपडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपने मैट्रिक के रिजल्ट देनी है, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट के रिजल्ट देनी है। तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे डिग्री जो टाइप है यहाँ पे आपको SSC क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको जो साइंस ग्रुप आपका चूज फाइल जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप जो आपने मार्क ऑप्टेन किए वो यहाँ पे लिखना है, टोटल मार्क्स कितनी, आपने कौन सी ईयर में की है, कौन से बोर्ड से की है, और यहाँ पे अपना कंट्री पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपने जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से सेम इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है इंटरमीडिएट यहाँ पे सेलेक्ट कर, फिर यहाँ पे HSC आपको सेलेक्ट कर देना। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैचलर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर PhD करना चाहते हो या तो मास्टर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपना इंटरमीडिएट की रिजल्ट देनी है। मैं डॉक्टर फार्मेसी की बैचलर डिग्री बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अपना HSC की पे क्लिक करना है, इंटरमीडिएट मार्क्स देने हैं, यहाँ पे आपको अपने जो टोटल मार्क्स है वो आपको लिखना है, सॉरी ऑप्टेन वाले, फिर यहाँ पे टोटल वाले मार्क्स जो आपको लिखने हैं, फिर डिग्री सब्जेक्ट आपने कौन सा मेडिकल में किया, प्री मेडिकल में, अगर यहाँ पे मस्ट भी प्री मेडिकल होना चाहिए अगर आप डॉक्टर फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने मार्कशीट अटैच करनी है, बोर्ड, और यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करके फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये दोनों ये कम्प्लीट हो जाएंगे तो आप नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो मैट्रिक की और इंटरमीडिएट दोनों की यहाँ पे और जो भी आपने लिखा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर फिर भी आपने कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने मैट्रिक की और यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की रिजल्ट सारी यहाँ पे लगा दी। अगर आप फिर भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, एडुकेशन इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको फिर से माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं, जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपने फिर भी कोई मिस्टेक है तो आप एडिट करके फिर भी एडिट कर सकते हो। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा साइट पे जो है फाइल अपलोड, यहाँ पे आपको अपना सारे फाइल अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज, इमेज, NIC फंड साइज, NIC बैक साइड, अगर आपको बे फॉर्म हो तो सिर्फ आप बे फॉर्म, यहाँ पे भी बे फॉर्म, फ्रंट साइड भी बे फॉर्म, एंड जो बैक साइड यहाँ पे भी आप अपना बे फॉर्म दे दें। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करने, उसके बाद आपको जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद सेव इमेज पे आपको क्लिक करना, तो आपका अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। मेक श्योर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो PNG में होने चाहिए, JPG भी फॉर्मेट होना चाहिए, और 1 MB से ग्रेटर नहीं होने चाहिए, तब आपके ये अपलोड होंगे और सेव होंगे, वरना नहीं होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे चूज फायर करके अपना जो डॉक्यूमेंट वो चूज कर लेते हैं लेकिन सेव इमेज पे क्लिक नहीं करते, क्योंकि उनकी इमेज सेव नहीं होती। फिर बहुत सारे क्यूरियस करते हैं कि सर हमारी चूज जो फाइल वो अपलोड नहीं हो रही है, तो ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो मेक श्योर आप सेव इमेज पे जरूर क्लिक कर दें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो फोटो होगा, इमेज होगी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो PNG फॉर्मेट होना चाहिए, तो PNG पे आपको फोटो उस पर क्लिक करना है, फिर ओपन पे क्लिक करना है। ओपन के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करना, उसी टाइम सेव इमेज पे क्लिक करना, ऐसा नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट हम पहले चूज कर लें उसके बाद सेव इमेज पे क्लिक करें, ऐसा नहीं, हर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है उसी टाइम आपको सेव इमेज पे क्लिक करना है। तो ऐसे सेव इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड हो जाएगा। फिर से आपको नीचे आना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट अभी जो रहना है उस पर आपको फिर से चूज फाइल करके सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके साथ आपका मोस्टली फॉर्म फिल हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिर्फ डॉक्टर फार्मेसी और भी अगर होते हैं ब्रांचेस डिपार्टमेंट होते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर फार्मेसी का डिपार्टमेंट, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट ID है, अप्लाइड एडमिशन, यहाँ पे स्टेटस, फी पेंडिंग और जनरेट फी वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरेट फी वाउचर पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो आपका फी वाउचर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्रिंट फी वाउचर, तो आपको पहले प्रिंट निकालना है, ये आपके सामने आ गया है,
इनका फी वाउचर जो 2000 रुपीज है आपका, वो आप किसी भी सिंध ब्रांच में, आप सिंध बैंक ब्रांच में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो चालान है वो आपको सही दिखाई नहीं दे रहा, वाउचर वो आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, कटन पी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कहना है, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट लिखा है इसको आपको लैंडस्केप में कर देना है। लैंडस्केप करने के बाद यहाँ पे आपको मोड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको साइज भी सिलेक्ट करनी है A4। जैसे आप A4 पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वाउचर वो सही तरीके से आपको शो हो जाएगा, प्रिंट भी सही तरीके से हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसका सेव करके आप किसी भी बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, फिर से आप बैक स्पेस पे क्लिक करके बैक जाएं, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सारी डिटेल देनी है इसके वाउचर के बारे में, आपको सारी डिटेल देनी है, कैसे देनी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड फी डिटेल पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे बैंक नेम का सिंध बैंक आपको यहाँ पे नाम लिखना है, बैंक कोड एंड सिटी वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, फिर डेटा फी सबमिशन आप कौन सी डेट पे आपने की वो आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद चूज फाइल पे जो आपका जो वाउचर होगा उसकी जो स्टूडेंट कॉपी होगी वो यहाँ पे आपको फाइल सबमिट करानी है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेनी है, तो सारा आपका प्रोसीजर फिल हो जाएगा, इसका फॉर्म सारा फिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके फॉर्म को प्रिंट कर निकालना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको कुरियर करना है, टीसीएस करना है, पोस्ट करना है, या आप यूनिवर्सिटी विजिट करके भी सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो IT कंप्यूटर साइंस और दूसरे डिपार्टमेंट उनकी एडमिशन नहीं आएगी तो उसकी भी अपडेट इस चैनल पर आपको लाजमी मिलेगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।